हमारा नेक्स्ट एडमिक्सचर कौन सा है? देखिए कि एयर एंटरिंग कॉन्क्रीट एडमिक्सचर है, उसका प्राइमरी फंक्शन काफ़ी आसान है कि उसको ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है और कंक्रीट का एक प्रोटेक्शन करना है अंडर द फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन। अभी फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन क्या होता है? देखिए कि बहुत बार कंडीशन जो होती है एटमॉस्फेयर की, वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो फ्रीजिंग मतलब एकदम फ्रीज होना। फ्रीज कब होता है आदमी? जब कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो ये जो पर्टिकुलर क्लाइमेट है, फ्रीजिंग थॉइंग, तो उस वक्त कंडीशन में एयर एंटरिंग का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। उसका नेम ही, द नेम इट सेल्फ सजेस्ट द मीनिंग ऑफ एयर एंटरिंग एडमिक्सचर। ये होता क्या है कि एयर एंटर करती है अंदर, इसका बेसिक एक पर्टिकुलर बात होता है। ये जब कंक्रीट में मिक्स किया जाता है तो उसमें होता क्या है कि मिलियंस ऑफ एयर बबल जो होता है, जैसा एक मैं वर्डिंग इस्तेमाल किया है कि नॉन कोलसिंग, इसका मतलब ऐसा एक यूनिटी तैयार हो जाता है, एक ब्लेंडिंग हो जाता है कि वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ बबल्स तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि एक ताकत बन जाती है, एक मास ऑफ बॉडी तैयार हो जाती है उसमें। तो वो थ्रू आउट मिक्स एकदम मिक्स हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो ये उसकी खासियत है इस एडमिक्सचर की। लेकिन ये करते क्या है कि वर्केबिलिटी डेफिनेटली एडमिक्सचर है तो वो तो बढ़ने वाली है। इसके बाद में होता क्या है कि ये जब बबल फॉर्म्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली एज अ लॉजिक आप सोचिए कि सेग्रीगेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम होती है कॉन्क्रीट में जो नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने कहा कि सेग्रीगेशन हुआ तो वो बैड क्वालिटी, ब्लीडिंग भी बैड क्वालिटी, तो ये उसको रोकता है। ये काफ़ी टॉप लेवल का एडमिक्सचर है एयर एंटरिंग एडमिक्सचर। ये पर्टिकुलर कॉन्क्रीट का जो एक लेवल है, मतलब एक स्टैंडर्ड है, वो बढ़ा देता है। उसका जो केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वो भी बढ़ा देता है। और तो और वो जो पर्टिकुलर सीमेंट और सैंड और वाटर का जो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है कॉन्क्रीट में, वो भी बहुत बार कम हो जाता है। तो उसमें देखिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कि मिनसोल रेजिन, डेरेक्स, टिपोल, चिकोलार यूज्ड। उसके बाद में ये बेसिकली कहाँ से तैयार होता है कि जैसे कि नेचुरल वुड रेजिन से, हमारे वेजिटेबल्स ऑयल और फैट्स होते हैं इसकी मदद से वो क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि पर्टिकुलर आगे की स्लाइड आपको ये शो कर देगी कि ये दिखता कैसा है। देखिए कि एक बार जैसे कि हम लोग नहाते वक्त पर्टिकुलर सोप जो होता है ना, साबुन हमारे हाथ में होता है, हम लोग नहाते वक्त उस अगर वो पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर सोप है हम दोनों हाथों पे अगर रगड़ दे तो क्या होता है कि एक झाग तैयार हो जाता है, पर्टिकुलर फेस जो कहते हैं हम, तो अलग अलग बबल्स क्रिएट होते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ का एक नज़दीक का एक फंडा है यहाँ पे कि वो क्रिएट होने के बाद क्या होता है, वो जब ड्राई हो जाता है तो दिखता भी उसी फॉर्म में थोड़ा सा। अगर बबल्स तैयार होते हैं तो डेफिनेटली बबल्स वहाँ पे कुछ समय के बाद फूटने वाले हैं। बबल्स क्रिएट होते हैं लेकिन वो फूटेंगे भी, ये भी बात तो पक्का है। तो वो उसी फॉर्म में बहुत बार वो उसका पर्टिकुलर जो अपेयरेंस है, वो लुक है जो आपके स्क्रीन के सामने, वो इस तरह से दे देता है। लेकिन आपको बहुत बार लगेगा कि नहीं, एयर एंटरिंग एडमिक्सचर डालने के बाद हम लोगों को एज यूजल कॉन्क्रीट का जो एक देखने की आदत होती है वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एयर एंटरिंग एडमिक्सचर है। अब इसमें देखिए, एंट्रेंड एयर, एंट्रैप्ड एयर, ये दो बातों का अलग अलग ध्यान रखना है। एक एंट्रेंड एयर, इसका मतलब क्या, पर्पसफुली आप लोगों ने एयर को एंटर किया, और दूसरा एंट्रैप्ड जो है वो अंदर एयर रह चुकी है, वो एंट्रैप्ड एयर है। और इसका जो अपोजिट है एयर एंटरिंग का, वो एयर डिट्रेनिंग एडमिक्सचर भी एक है, मतलब ये भी अलग टाइप है। लेकिन आपके स्क्रीन के सामने जो है पर्टिकुलर वो कैसा दिख रहा है देखिए, और पर्टिकुलर जो एक आपका थापी होता है उसमें दिखाया गया है कि ड्यू टू इंटेंशनल क्रिएशन क्या होता है कि इंटेंशनल, जैसे मैंने कहा कि पर्पसफुली उसको एंटर किया जाता है। और यहाँ पे क्या दिया दूसरे में कि ड्यू टू इनसफिशियंट कॉम्पैक्शन, वहाँ पे एयर रह जाती है उसकी वजह से कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने उल्टा कह दिया है कि कॉम्पैक्शन ना होने के कारण वहाँ पे एयर अवेलेबल हो गई है, इसलिए कॉम्पैक्शन पे ध्यान रखा जाए अगर आप लोग एयर एंट्रेंड एडमिशन इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एंट्रैप्ड एयर और एंट्रेंड एयर में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए इंटरव्यू में बहुत लोगों को समझ में आता नहीं ये क्या है। काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने सुना है बच्चों के मुँह से कि यार ये ऐसा आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और वो क्या होता है देखिए, आपके सामने वो चीज़ दी गई है एक पाउडर फॉर्म में। उसके बाद में देखिए कि एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर से उसका इस्तेमाल क्या है कि हाँ, अभी एक एक्सेलरेटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, एक हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है, एक इनिशियल सेटिंग टाइम है,
एक फाइनल सेटिंग टाइम है। इस ये तीन बातें जो है ये आप क्लियर कट दिमाग में रखिए। इंटरव्यू में क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि आगे के जो पर्टिकुलर दो एडमिक्सचर है ये काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है काफ़ी आसान नहीं, लेकिन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। तो देखिए कि एक्सेलरेट मतलब कुछ बात को आगे ढकलना है, देखिए आगे ढकलना है। हाँ, तो दे रिड्यूस क्या होता है कि इनिशियल टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम जो कंक्रीट का होता है वो आगे ढकल देता है। अभी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्या है, पीपीसी का क्या है वो आप देखिए। स्टैंडर्ड क्या कहा गया हम लोगों को, 30 मिनट्स, 600 मिनट्स, इनिशियल फाइनल वो क्लियर कर लीजिए, वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। होता क्या है कि ये उसको कम कर देता है। अभी कम किया इसका मतलब क्या है कि इनिशियल सेटिंग टाइम अगर 30 मिनट है तो उसको कम किया, कम किया मतलब क्या, उसको क्विक सेट करने के लिए उसको एक्सेलेरेट कर दिया। एक्सेलेरेट क्या किया, लेकिन स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट, मतलब क्या, उसको पर्टिकुलर कॉन्क्रीट को हार्ड जल्दी करना है। अभी हार्डनिंग एंड सेटिंग का दो अलग है, हार्डनिंग क्या होता है पर्टिकुलर और सेटिंग क्या होता है। सेटिंग मतलब पूरा सेटिंग, कि हार्डनिंग मतलब पूरा सेटिंग वो आप देखिए द पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ये बार बार अभी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर लर्निंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी ये फर्स्ट एंड लास्ट बार भी हो सकता है आपका, क्योंकि पास आउट होने के बाद यू विल बी कॉम्पिटिटर टू दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, नो वन विल एक्सक्यूज यू। हाँ, इसीलिए अभी फिर से यहाँ पे आइए। इसमें क्या गया कहा गया है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेटर, क्या होता है कि ये एक्सेलरेट करते हैं, क्या करते हैं देखिए, इसमें फ़र्क दोनों है, क्लियर कर देता हूँ। रिटायर्डर भी के वक्त भी मैं और कुछ बातें कहने वाला हूँ। अभी अर्लियर हमको क्विक करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये क्यों ज़रूरत है। देखिए जहाँ पे कोल्ड कंडीशन होती है, जहाँ पे इमरजेंसी रिपेयर वर्क है, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत सारे ट्रैफिक है, हम लोगों को काम करना है वहाँ पे, तो हम लोग हमारा नेचुरल आराम से एडमिक्सचर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पे जल्द से जल्द हम लोगों को काम कवर अप करना पड़ेगा, जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर का ज़रूरत है उस वक्त। क्योंकि क्या करता है वो, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट जो है उसको रिड्यूस करता है, इसका मतलब हार्डनिंग जल्दी होता है, इसीलिए देखिए। और उसका लेस पीरियड ऑफ भी क्यूरिंग है, अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क भी है, वो सब बातें इसमें आती है। जैसे कि इसमें बहुत सारी बातें हैं कि सिलिका जेल ट्राई हो, कैल्शियम फॉर्मेट, सिलिका फ्यूम, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब फाइनली डिवाइडेड सिलिका जेल आर यूज होती है इसमें। इसमें बेसिक कौन सा चीप आइटम है वो है कैल्शियम क्लोराइड, एंड कॉमनली यूज जो आइटम है वो वही है एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर। मतलब एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है। अभी थोड़ा सा अगर समझ में आ नहीं गया हो तो रिटायर्ड में उसका उल्टा है, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसका एक ब्रांड भी दिया है मैंने नीचे, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में स्क्रीन के सामने रिटार्डिंग एडमिक्सचर से अपोजिट टू एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स है वो, अभी वहाँ पे क्लियर बता दूँ। वापस आप एक तीन बात में आ जाइए, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये क्या करता है, देखिए, स्लो डाउन द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इन इट्स इनिशियल स्टेज एंड इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द कॉन्क्रीट। अभी मैंने उल्टा वहाँ पे क्या बताया था, एक्सेलरेट में क्या करता है, देखिए आपके पर्टिकुलर स्क्रीन पे वो होगा नहीं होगा, पीछे था कि रिड्यूस इनिशियल सेटिंग टाइम, उसमें कहाँ पे, एक्सेलरेट में। अभी रिटायर्ड में क्या कहा मैंने, इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट, लेकिन उल्टा क्या कर रहा है डाउन, वो स्लो डाउन द रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन जितना फास्ट होगा उतना आपका कॉन्क्रीट जल्दी सेट होगा। जितना आपका पर्टिकुलर स्लो डाउन होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस सीमेंट का, उतना आपका इंक्रीजिंग इनिशियल सेटिंग टाइम जो पर्टिकुलर है वो इंक्रीज होगा। ये जो वाइस वर्सा कंडीशन है यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्लियर करिए। मतलब जैसे कि एज एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि एज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस वाटर सीमेंट रेशो डिक्रीजेस। जैसे कि हमारा पर्टिकुलर ग्रेड जो है वो जितना बढ़ेगा वाटर सीमेंट रेशो थोड़ा सा कम होते जाएगा, और जितना पर्टिकुलर उल्टा जाए, जैसे कि नीचे M20 लिखा है, M15, 10, फिर ऊपर से 7.5 बहुत जगह पे होता है, तो उस वक्त देखिए अपना ग्रेड कैसे बढ़ता है। 1 एक डेढ़ तीन होता है, इसके बाद में देखिए 1, 2, 4 हो गया, मतलब क्या हो गया, 2 और 4 बढ़ गया। मतलब क्या है क्या नहीं, अभी ये डिस्कशन का पॉइंट है, एज एग्जांपल मैंने बता दिया। उसके बाद में देखिए इसको रिटार्डर कहा जाता है, और स्पेशली हाई टेम्परेचर जोन में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको वहाँ पे क्विक प्लीज सेट करना पड़ता है कॉन्क्रीट, इसलिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम कहाँ पे इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसको जो पीओपी का डिज़ाइन किया था, जैसे मैंने कहा मैंने ऊपर डिज़ाइन किया है, उस पर्टिकुलर वो जो फॉर्म का जो जिप्सम होता है वो यहाँ पे रिटार्डिंग का काम करता है।
उसमें बहुत सारी बातें होती है, सॉल्ट्स ऑफ एसिड, सेलुलोज, कॉमन शुगर, ये टाइप्स होते हैं रिटार्डर्स के। उसके बाद में क्विक सेटिंग जो होता है इन सम सिचुएशंस में क्या हो जाता है कि डिसकंटिन्यूस स्ट्रक्चर हो जाता है, गलती से पुअर बॉन्डिंग तैयार हो जाता है सरफेसेस में, बाद में वो वॉइड्स भी तैयार हो जाते हैं जो कि नहीं चाहिए उसमें। तो ये सब बातें होती है, टू एलिमिनेट दिस रिटार्डर्स आर यूज्ड, ये सब बातें होती है। रिटार्डर्स का इस्तेमाल सिर्फ एक बात के लिए नहीं है, ये दूसरे बात के लिए भी है, क्योंकि क्विक सेटिंग टाइम जब फास्ट करते हैं तो उसका प्रोज एंड कॉन्स का भी एक पॉइंट है। क्विक सेटिंग टाइम नहीं मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम क्विक सेटिंग टाइम दे दें या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम को अगर इंक्रीज या फिर स्लो डाउन द एड्रेशन सीमेंट कर दे तो उसके भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए क्विक सेटिंग टाइम पे भी जो कुछ प्रॉब्लम आने वाले हैं वो रिटार्डर्स के कारण कम हो जाते हैं। और इसमें देखिए स्पेशल थिंग ये है कि इफ़ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर जो हमारा अगला टाइप है वो आर एक्टिंग एज अ रिटार्डिंग एडमिक्सचर से, देन दे आर कॉल्ड एज नॉट रिटार्डिंग एडमिक्सचर, दे आर नोन एज रिटार्डिंग प्लास्टिसाइजर्स। अभी देखिए वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर भी ये हमारा अगला टाइप है, लेकिन क्या कहा मैंने, जब रिटार्डिंग एडमिक्सचर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं तब इसे रिटार्डिंग प्लास्टिसाइजर कहा जाता है। क्लियर? हाँ, आगे देखिए आपके सामने कुछ एक फॉर्म में दिया है मैंने पर्टिकुलर एडमिक्सचर, और डुप्लास्ट RTPL नाम का एक ब्रांड है वो रिटार्डिंग एडमिक्सचर है। यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर फॉर RMC ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्म है। तो RMC में मैंने क्या कहा है वो देखिए आप, एक्सेलरेटर, अब ये जो पर्टिकुलर सुपर प्लास्टिसाइजर है वो आप डिसाइड करिए ये एक्सेलरेटर है या रिटार्डर है। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि एडमिक्सचर का इस्तेमाल सिर्फ वर्केबिलिटी के लिए नहीं होता, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग हॉलिंग डिस्टेंस है, मतलब कॉन्क्रीटिंग एक साइड से लेके दूसरे साइड तक आपको लेके जाना है, तो अगर आपका जो डिस्टेंस है अगर वो लॉन्ग है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये बताना है मुझे ग्रुप डिस्कशन में कि ये क्या है। उसके बाद में देखिए कि वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स भी है, डेफिनेटली दे आर यूज टू मिनिमाइज द वाटर डिमांड, उसके नाम में ही मीनिंग है कि ये पानी को कम करता है, लेकिन बहुत कम नहीं कर सकता है एक रिक्वायर्ड लेवल के ऊपर, क्योंकि वाटर की जगह कोई भी दूसरा सब्सटेंस पूरे का पूरा 100% रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए ये करता तो है लेकिन मिनिमाइज़ करता है वाटर डिमांड, जो पर्टिकुलर इफेक्ट है उसका। तो वर्केबिलिटी तो इसका डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। ये एडिशन क्या करता है कि वाटर इज एडेड, मतलब क्या है कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए क्या दिखा है, क्या लिखा है कि वर्केबिलिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्क्रीट, दैट इज़ ओके, विच इज़ इम्प्रूव विद द एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट इफ़ वाटर इज एडेड मोर देन रिक्वायर्ड, डेफिनेटली क्या होगा फिर देखिए कि उसका ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ भी हैम्पर होगा और ड्यूरेबिलिटी भी हैम्पर होगा, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिसाइजर जब हम वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। ये प्लास्टिसाइजर्स का नज़दीक का कौन सा मामला आता है वर्डिंग का, प्लास्टिसिटी, तो इसीलिए यहाँ पे प्लास्टिसाइजर्स उसे कहा जाता है। लेकिन इसका नया बात क्या है इसमें कि ये डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, जैसे कि उसमें आपके स्क्रीन के सामने देखिए कि प्लास्टिसाइजर्स कहा गया है, मिड रेंज प्लास्टिसाइजर है और एक सुपर प्लास्टिसाइजर्स है, ये तीन टाइप कभी भूलिएगा ना। कभी कभी हाई रेंज प्लास्टिसाइजर भी कहा जाता है सुपर प्लास्टिसाइजर को भी। तो देखिए अभी यहाँ पे अच्छे से कि नॉर्मल प्लास्टिसाइजर क्या करता है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं कॉन्क्रीट में तो ये 10% क्या करता है, देखिए पानी जो है आपका वाटर डिमांड उसका कम कर देता है। मतलब क्या, अगर आपके पर्टिकुलर कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन में सीधा सीधा लिखा है कि फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट आपको 150 ml पर्टिकुलर, ये अगर सॉरी 150 ml अभी नहीं मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो वाटर रिक्वायरमेंट है, सपोज़ मैं कह सकता हूँ कि 1 लीटर है पर्टिकुलर एक बैग के लिए एज ए एग्जाम्पल, तो उसमें आप लोग 10% उसका मिनिमाइज़ कर सकते हैं और उतना आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, नॉर्मल प्लास्टिसाइड। और एक कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन में दिया होता है, जैसे कि मिड रेंज में आ गए तो डेफिनेटली उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो नॉर्मल वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा भी कम कर लिया तो भी क्या चेंज नहीं होगा, आपका स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद में क्या होगा, वर्केबिलिटी तो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये बात समझना है आपको। उसके बाद में क्या होगा कि सुपर प्लास्टिसाइजर जो है वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ऊपर वाले जो दो है नॉर्मल और मिड रेंज प्लास्टिसाइजर उनसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, वर्केबिलिटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, प्लस क्या बढ़ाएगा और क्या मेंटेन करेगा, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, प्लस 30% ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट जो है उसका डिमांड कम कर देगा। तो ये सबसे अच्छी खासियत वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर की होती है।
देखिए आपके सामने दो तीन टाइप्स भी है। ध्यान में रखना हमेशा कि लो रेंज अगर इस्तेमाल किया जाए तो कितना कितना माइनस होता है वाटर रिडक्शन इन परसेंटेज। जैसे कि 5 से 10% होता है लो रेंज के लिए, मिड रेंज के लिए 10 से 15% होता है, हाई रेंज के लिए 12 से 30% होता है। सिर्फ 30% ही नहीं होता, कभी कभी 30+ भी होता है परसेंटेज में। तो लो रेंज जो होता है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है वाटर सीमेंट रेशियो और स्लम बढ़ा देता है। मिड रेंज क्या करता है, एक स्टिकीनेस को रिड्यूस कर देता है, फिनिश जो है एक अपीयरेंस फिनिशेबिलिटी को एक होता है कि वो इम्प्रूव हो जाता है। पंपेबलनेस जो होता है कॉन्क्रीट का, पंपेबिलिटी वो बढ़ जाती है। उसके बाद में हाई रेंज जो होता है वो डेफिनेटली प्रोड्यूस हाई स्ट्रेंथ एंड हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट। अभी स्ट्रेंथ तो नहीं कह सकते इतना, लेकिन स्ट्रेंथ कहना गलत ही साबित होगा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू कहे तो डेफिनेटली इट इज़ करेक्ट। उसके बाद में ये बहुत सारी बातें हैं कि सुपर प्लास्टिसाइजर या फिर हाई रेंज प्लास्टिसाइजर अगर इस्तेमाल करें तो वाटर की मात्रा कमी हो जाती है पानी की मात्रा, और 30% ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। मतलब हम दोनों बातें हैं कि बैरल भी सुपर प्लास्टिसाइजर का रेट जो अगर इकोनॉमिक कंसर्न करें तो अच्छा खासा वो महंगा पड़ता है। तो ये सुपर प्लास्टिसाइजर की बात हो गई। अभी देखिए अल्कली एग्रीगेट एक्सपांशन प्रिवेंटिव एडमिक्सचर भी आपके सामने है। ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पानी की टंकी हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं जहाँ पे ऐसा जो पर्टिकुलर फिगर देखा होगा, बहुत लोगों के मन में आता भी है कि सर ये करोजन का पहला स्टेप तो नहीं है, क्योंकि वो दिखता भी ऐसा अलग फॉर्म में, कभी कभी ग्रिड फॉर्म में दिखता है, कभी कभी हनीकॉम्बिंग फॉर्म में दिखता है, तो अलग अलग उसके पर्टिकुलर अपीयरेंसेस है। लेकिन होता क्यों है कि उसमें लिखा ही है कि एक्सपांशन। एक्सपांशन क्या होता है कि अकॉर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कली ऑफ सीमेंट। होता क्या है कि SiO2 जो है हमारा, SiO2 जो है सिलिका, वो हो जाता है पर्टिकुलर प्रेजेंट वो पर्टिकुलर पूरे मिक्सचर में, और इसके कारण ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं अल्कली एग्रीगेट एक्सपांशन, और ये प्रिवेंट करना बेहद ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली सब पर्टिकुलर कॉन्क्रीट जो है उसका स्ट्रेंथ, उसका ड्यूरेबिलिटी पूरा का पूरा खतरे में आ जाएगा, या और वो ऐसा सिविल इंजीनियरिंग में बिल्कुल जायज़ नहीं है या फिर एप्लीकेबल नहीं है। और ये एक्सपांशन करता क्या है कि एक जेल लाइक सब्सटेंस क्रिएट करता है। उसके कारण होता क्या है कि अगर कुछ वॉल्यूम, अगर जेल तैयार हो गया तो मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम के कारण क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो अंदर से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो जाने की कोशिश में क्या होता है कि क्रैकिंग हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, और डेफिनेटली उसके बाद में बाहर का जो कवर है कॉन्क्रीट का वो निकल जाता है और स्टील रीइंफोर्समेंट जो है वो ओपन पूरा का पूरा हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक टाइप का एक एक्सपांशन होता है, और इसे रोकने के लिए हमको जल्द से जल्द कुछ करना पड़ता है एज ए प्रिवेंटिव मेजर। तो पोसोलानिक एडमिक्सचर भी इसमें यूज़ किया जाता है, और काफ़ी सारी अच्छी बात यह है कि एयर एंटरनिंग एडमिक्सचर भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। और आगे का जो पर्टिकुलर एडमिक्सचर है वो उल्टा है किसका, एयर एंट्रेनिंग का। इसमें एयर डिट्रेनिंग भूलिएगा ना यार, जैसे मैंने बच्चों का जो कन्फ्यूजन देखा है वो एडमिक्सचर में भी बहुत बार देखा है, उनके दिमाग में एडमिक्सचर मतलब ओनली वन वर्केबिलिटी, तो ये गलत है। इसमें बहुत सारी बात है, जैसे कि एक्सेलरेटर का उल्टा रिटार्डर, एयर एंट्रेनिंग का उल्टा एयर डिट्रेनिंग। एयर एंट्रेनिंग में भी दो पॉइंट बताए मैंने, एक एंट्रेंड एयर एक एंट्रैप्ड एयर। तो ये सब बातें ये आपकी आज क्लियर होनी चाहिए अभी के अभी, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। तो एयर डिट्रेनिंग में क्या होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कि हम लोगों ने खाना ज़्यादा खा लिया तो हमको पचाने के लिए चलना पड़ता है, थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है ना। तो जैसे कि वैसे ही अगर एक्सेस एयर अगर आपके कॉन्क्रीट में घुस गई तो आपको उसको निकालना भी पड़ेगा। तो दे रिमूव द एक्सेस एयर फ्रॉम द कॉन्क्रीट वॉइड्स, अगर वो नहीं निकाले तो फिर उसका भी साइड इफेक्ट डेफिनेटली हो जाता है। कॉन्क्रीट इसका मतलब कॉन्क्रीट ने थोड़े से ज़्यादा एयर खाली तो उसको भी खाली करना पड़ेगा। अब अभी तो कॉन्क्रीट तो वॉक नहीं करेगा, इसलिए उसको इस एडमिक्सचर के अंडर प्रोसीजर उसमें जो अटकी हुई जो एयर है, एंट्रैप्ड हो या फिर एंट्रेंट हो, वो निकालना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि एग्रीगेट्स रिलीज होते हैं, रिलीज द गैस होता है इनटू कॉन्क्रीट एंड एयर एंट्रेंट इज़ मोर देन रिक्वायर्ड हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारी बातें होती है, देखिए कि वाटर इनसोल्युबल अल्कोहल होते हैं, सिलिकॉन्स होते हैं आपके सामने, और भी कुछ है। तो ये टाइप का जो पर्टिकुलर एडमिक्सचर है वो आपका जो एयर है वो जब अटक जाता है एडमिक्सचर कॉन्क्रीट में वो निकालने के लिए होता है। लेकिन ये रेयर फिनोमेनन होता है कि बहुत बार ऐसी दिक्कतें नहीं आती है,
लेकिन ये भी एक टाइप का एडमिक्सचर है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गैस फॉर्मिंग एडमिक्सचर, जो मैंने पहले बताया था कहीं तो भी एल्यूमिनियम पाउडर, हाँ ग्राउटिंग एडमिक्सचर में मैंने कहा था, मुझे याद है। ग्राउटिंग एडमिक्सचर में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा क्रैक्स और फिशेस अंदर तक होते हैं ना, तो एक बार आप पढ़ लीजिए क्या आपके स्क्रीन के सामने, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। गैस फॉर्मिंग एडमिक्सचर जब ऐड किए जाते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्ट हो जाता है, और ऑप्टेन बाय क्या होता है कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जो अपना हीट ऑफ हाइड्रेशन है उससे, तो एक एयर एंटरिंग के जैसे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन ये मिनट होते हैं। लेकिन ये किसके गैस होता है, पर्टिकुलर किसके बबल्स होते हैं, ये हाइड्रोजन गैस, मिनट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होते हैं इन द कॉन्क्रीट। और ये करते क्या है, देखिए कि एल्यूमिनियम पाउडर जो है, जो मैंने कहा ग्राउटिंग मिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, और या फिर उसके बाद में एक्टिवेटेड कार्बन भी हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो, वो भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये देखिए क्या करते हैं एक्चुअली, कि ये ब्लीडिंग को तो काउंटर करते हैं।